नमस्कार। कोरोना वायरस के लक्षण कब दिखाई देते हैं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। कोरोना वायरस मतलब COVID-19 एक इन्फेक्शियस डिसीज है। मतलब कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिसीज COVID-19, और यह हमारे बदन में जब प्रवेश करता है तो अपना रंग दिखाने की कब चालू करता है, इसका मतलब भी उसके सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है, वो कब दिखाई देते हैं अपने शरीर में घुसने के बाद में, वो जानना जरूरी है। तो कोरोना वायरस जब अपने शरीर में जाता है, अंदर घुसता है, तो अपने सेल्स के ऊपर अटैक करता है। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 11 से 12 दिन अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 11 से 12 दिन है। इसका मतलब ऐसा है कि हम हमारे शरीर में कोरोना वायरस को पाल रहे, पोस रहे हैं, मगर कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे 11-12 दिन तक। और स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि 1.01% में 14 दिन तक करीब करीब लक्षण दिखाई देते नहीं है। तो फिर इसलिए हमारे आसपास के कोई भी व्यक्ति, मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आ रहा है और हो सकता है कि उसमें, उसके बॉडी में कोरोना वायरस है, मगर उसको लक्षण ही नहीं है क्योंकि वो 10-11 दिन के पीरियड में है। उसको 10-11 दिन तो लक्षण दिखाई देंगे नहीं, मगर वो यदि खांसता है, सीखता है, बोलता है तो, या कहीं उसके चीजों को हाथ लगता है, फिर मेरे में आंखों में हाथ डालता हूं, मुंह में डालता हूं, सांस लेता हूं, या सीखने के बाद में कोई जो स्प्रिंकल्स बाहर आते हैं तो वहां से मैं वो अंदर लेता हूं, तो फिर मुझे भी कोरोना होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसलिए हमको जो बार बार कहा जाता है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हमारे आजू बाजू के लोग कौन से इन्फेक्टेड है, इसलिए हमने कंटिन्यूस मास्क पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। जितना डिस्टेंसिंग रखे, इसलिए फिर जो मेले हैं वो बंद कर दिए, फंक्शंस बंद कर दिए, क्योंकि लोग आसपास में आते, करीब आते हैं और कोरोना वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है। तो कोरोना वायरस का लक्षण जो है वो पहला लक्षण 11वें-12वें दिन दिखाई देगा। और लक्षण तो आपको पता ही है कि बुखार आना, खांसी, जुकाम, नाक बहना, आंखों में पानी आना, आंखें लाल होना, फिर टेस्ट चले जाना, कभी डायरिया लग जाता है, बॉडी एक्स है, बदन में बहुत दर्द होता है, सर दर्द होता है, सांस लेने में फिर तकलीफ होती है, और फिर 8-9 दिन तक ये तकलीफ रहती है। 9वें दिन के भी बाद में यदि तकलीफ है, इसका मतलब वो कोरोना वायरस अभी बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, आपके फेफड़ों के ऊपर भी उसने अटैक कर चुका है। तो जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देते हैं, एक दिन भी लक्षण दिखाई देते इसमें के, तो तुरंत आपने अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। रैट करना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो 50% लोगों में फाल्स नेगेटिव आती है, इसलिए रैट किया, पॉजिटिव आ गया तो सवाल ही नहीं। रैट किया, उसका रिपोर्ट जल्दी मिल जाता है, और वो यदि नेगेटिव है तो फिर RT-PCR तो करना जरूरी है, और RT-PCR का रिपोर्ट अभी हमको मिलने के लिए करीब करीब 24 से 48 घंटे लगते हैं। RT-PCR टेस्ट भी 10-30% लोगों में फाल्स नेगेटिव आता है, मतलब लक्षण है तभी भी टेस्ट नेगेटिव है, मगर लक्षण है और टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है। लक्षण है तो कोरोना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो आपको कोरोना है, लक्षण नहीं है तभी भी, और कोरोना जैसा इलाज है आपने करना जरूरी है। आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो, और होम आइसोलेशन का मतलब है घर में रह के आराम करना नहीं है। होम आइसोलेशन का मतलब ऐसा है कि डॉक्टरों की निगरानी में आपने घर में इलाज करना है, और आपके सिम्टम यदि बढ़ जाते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में जाने का है। होम आइसोलेशन में भी टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर 98.4 के ऊपर चले जाता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का टेस्ट करते जाना है कि कितना सेचुरेशन है, SpO2 कितना है। 94 के नीचे जाता है तो जरा अलर्ट है वो, 91 और 94 के बीच में आता है तो अलर्ट है। प्रोन पोजीशन में उल्टा सोने का है या करवटे बदलते रहना है और सोने का है, आधा पौन घंटा ऐसा सोना जरूरी है, और वो सोते हैं तो आपका 91 से 94 तक चले जाएगा। मगर यदि SpO2 जो है, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन SpO2, वो यदि 90 के नीचे आता है तो फिर आपको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और आपने ऑक्सीजन लेना जरूरी है। तो टेस्ट का इंतज़ार मत करो, टेस्ट निगेटिव है तभी भी इंतज़ार मत करो,
अपने को कोरोना है समझ के इलाज करना है, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि कोरोना से अपनी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देंगे, विटामिन सी जिंक एलिमेंट देंगे, फिर उसके साथ साथ आपको कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए इसलिए एंटी कोएगुलेंट देंगे, फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इसलिए एंटी फंगल देंगे, एंटी एलर्जिक देंगे, काम पड़ा तो स्टीरॉयड भी देंगे। स्टीरॉयड से बहुत ज़्यादा कोरोना कंट्रोल में आता है, इसलिए प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं और आपका कोरोना कंट्रोल में आ सकता है। ऑक्सीजन की लेवल कंटिन्यूसली कम है तो आपको घर में रहने का नहीं है, हॉस्पिटलाइज होने का है। तो ये होगी कोरोना के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानकारी और आपके सिम्टम के बारे में जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।